तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आईएनडी मनी ऐप का बैंक अकाउंट किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप आईएनडी मनी ऐप डीमैट अकाउंट ओपनिंग क्या है, यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर आप इंडियन स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईएनडी मनी ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग क्या है, उस डीमैट अकाउंट का बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो या फिर म्यूचुअल फंड का प्राइमरी बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो, किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ऐड करके न्यू बैंक अकाउंट किस तरह से आप चेंज करेंगे, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे और आईएनडी मनी ऐप ओपन करके सारा प्रोसेस देखते हैं कि न्यू बैंक अकाउंट ऐड करके किस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड का प्राइमरी बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो या फिर आप स्टॉक का बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो तो किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, क्या है प्रोसेस, इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर सारा प्रोसेस देखते हैं। तो आईएनडी मनी ऐप की बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको आईएनडी मनी ऐप को ओपन कर लेना है। चलो हम यहाँ पे आईएनडी मनी ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो भी पासवर्ड है पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको आईएनडी मनी ऐप की। तो आप अगर बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर पे अपना प्रोफाइल दिख रहा होगा, अपना लोगो का ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे अपना डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लिंक बैंक अकाउंट। तो आपको लिंक बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे लिंक बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे अपना सारा बैंक अकाउंट लिंक देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का लिंक बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड का लिंक बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप किसका लिंक बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी आईएनडी स्टॉक का या फिर म्यूचुअल फंड का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पे अगर आप आईएनडी स्टॉक का बैंक अकाउंट लिंक चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आईएनडी स्टॉक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे सबसे पहले तो बैंक अकाउंट ऐड करनी होगी। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे बैक कर लेंगे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, तभी आप स्टॉक का बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। अगर आप इसी तरीके से म्यूचुअल फंड का बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो प्राइमरी बैंक अकाउंट को, तो यहाँ पे आप प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। पहले तो बैंक अकाउंट ऐड करनी होगी, जो बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हो वो बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे प्रीसेट टू लिंक बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे चूज कर लेनी है अकाउंट आईएफएससी कोड वाला। नीचे अकाउंट आईएफएससी कोड वाला चूज करने के बाद यहाँ पे अपना बैंक सबसे पहले चूज करनी है कि कौन सा बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं फेडरल बैंक अकाउंट चूज कर लूंगा क्योंकि मैंने फेडरल बैंक अकाउंट लिंक करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उस फेडरल बैंक का आप यहाँ पे आईएफएससी कोड चूज करनी होगी। तो यहाँ पे आप आईएफएससी कोड यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर लेंगे आईएफएससी कोड एंड वो आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद अपना बैंक आ जाएगा, अपना बैंक को चूज कर लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालनी है, जो अकाउंट नंबर है बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, री एंटर अकाउंट नंबर डालेंगे एंड प्रीसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट जो कि ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ऐड है, यानी कि तीन बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड है। अगर मैं बैक करके आपको दिखाऊं तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बैंक अकाउंट ऐड है, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है। अगर आप म्यूचुअल फंड का प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे जो बैंक अकाउंट ऐड किया है उस बैंक अकाउंट का थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट सेट है फेडरल बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ SBI बैंक अकाउंट पे। तो यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट के थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइमरी बैंक अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे चेंज होकर प्राइमरी बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। तो आप अगर म्यूचुअल फंड विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे प्राइमरी बैंक अकाउंट पे विड्रॉ होके आएगा, इसी बैंक अकाउंट पे जो बैंक अकाउंट प्राइमरी सेट हुआ है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्या है उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहते हो तो प्राइमरी बैंक अकाउंट पे वो विड्रॉ होके आएगा, इसी बैंक अकाउंट पे। उसी तरीके से अगर आप स्टॉक का बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो आईएनडी मनी स्टॉक का, तो यहाँ पे आईएनडी मनी स्टॉक चूज कर लेंगे। जो बैंक अकाउंट लिंक क्या है यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा लिंक बैंक अकाउंट की, और यहाँ पे आपको आईएनडी स्टॉक अकाउंट की सेटलमेंट बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा कि आप अगर स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट क्या है उस इन्वेस्टमेंट पैसे को अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो किस बैंक अकाउंट पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा सेटलमेंट बैंक अकाउंट सेट है SBI, तो आप अगर चेंज करना चाहते हो यहाँ पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जो बैंक अकाउंट आप चेंज करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए मैं फेडरल बैंक अकाउंट पे करना चाहता हूँ सेटलमेंट अकाउंट, यहाँ पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे सेट आईएनडी स्टॉक सेटलमेंट अकाउंट। जैसे यहाँ पे चूज कर लेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे जो कि लिंक हो जाएगा,
तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे लिंक हो जाएगा। सेटलमेंट अकाउंट चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्विकली चेंज नहीं होता है। उसी तरीके से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप आसान प्रोसेस के साथ चेंज कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड की अकाउंट को चेंज करना चाहते हो या फिर आप आईएनडी स्टॉक सेटलमेंट अकाउंट को चेंज करना चाहते हो तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप आईएनडी मनी ऐप का बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो तो क्या है प्रोसेस प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज करने की, किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, आप सारा प्रोसेस समझ चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना इस वीडियो से। फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।